नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ग्वालियर जिले के आंतरी थाना क्षेत्र में एक अधेड़ ने शौच के लिए गई मासूम बालिका को अपनी हवस का शिकार बना लिया। घर आकर इस 7 साल की लड़की ने अपनी मां को पूरी बात बताई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी नारायण आदिवासी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉस्को एक्ट और धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी नारायण आदिवासी को गिरफ्तार कर लिया। नारायण की उम्र 55 साल से ज्यादा है, लेकिन उसने अपनी पोती की उम्र की इस बच्ची को उस समय खेतों में दबोच लिया जब वो शौच के लिए वहां गई थी। पुलिस ने लड़की का मेडिकल भी कराया। घटना शुक्रवार शाम 4 बजे की बताई गई है, जब वो किन्हीं बाबूजी के सरसों के खेत के पास शौच करने के लिए गई थी। तभी पीछे से नारायण आदिवासी वहां आ गया और उसने एकांत में बालिका को पकड़ लिया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म कर लिया। बच्ची काफी चीखी चिल्लाई, लेकिन आरोपी को रहम नहीं आया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नारायण को गिरफ्तार कर लिया है। आती थाने में कल एक दुष्कर्म का अपराध, एक छोटी बच्ची है 7 वर्ष की, उसको लेकर उसके परिजनों ने आगे रिपोर्ट दर्ज कराई कि बच्ची के साथ में पड़ोस में रहने वाले 55 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उनकी रिपोर्ट लिखकर तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया गया और आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। बच्ची जो है घर के पास में शौच करने के लिए गई हुई थी, तो उसको अकेला देखकर उसको अधेड़ व्यक्ति ने उठाकर दूर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।